हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसैनिक के तरफ से जो आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट इनवाइट की गई है टोटल 2800 पोस्ट पे। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि काफ़ी सारे कैंडिडेट को डाउट है कि क्या यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद क्या सभी को एडमिट कार्ड आएगा या परसेंटेज बेसिस पे जो है एडमिट कार्ड इंडियन नेवी जो है देगी, क्योंकि अग्निपथ न्यू स्कीम के तहत इस बार जो है रिक्रूटमेंट इंडियन नेवी की तरफ से फ्रेंड्स जारी किया गया है, जिसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों यहां पे इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। पहली बार इंडियन नेवी इतिहास में ऐसा किया है कि फीमेल कैंडिडेट को यहां पे अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे एडमिट कार्ड से संबंधित, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट को डाउट है कि हम हरियाणा से हैं, बिहार से हैं, मेरा 50% है, 60% है, वेस्ट बंगाल से हैं, मेरा 70% है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से हैं, 45% है, तो क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जो है पूरे डाउट क्लियर कर देंगे कि कितने परसेंटेज वालों को जो है इंडियन नेवी कॉल लेटर देगी एंड कितना कट ऑफ जा सकता है स्टेट वाइज। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी भर्ती आती है उसका अपडेट सबसे आप सभी के पास पहुंच पाए। तो चलिए आप सभी को हम सीधे ले चलते हैं इंडियन नेवी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर, एंड आप सभी को वहां पे ले जाकर के पूरे हम डिटेल्स में बताते हैं अपने कि आप जिस भी स्टेट से हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई करें या नहीं करें, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स आप सभी को ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो इंडियन नेवी की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर हम आप सभी को लेकर के आ गए हैं। तो यहाँ पे इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन मैरिड मेल एंड फीमेल, यहाँ पे दोनों यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में यहाँ पर समझा रखा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 2800 पोस्ट पर वैकेंसी, जिसमें कि 560 वैकेंसी जो है केवल फीमेल को है, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी, हम नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी को हम बता चुके हैं, यहाँ पर हम मेन बात करने वाले हैं एडमिट कार्ड के बारे में कि यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है कौन कौन से कैंडिडेट को आ सकता है और हाईएस्ट कट ऑफ कितना जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसको हम जूम कर दे रहे हैं थोड़ा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि यहाँ पे जो है इंडियन नेवी कैसे सिलेक्शन लेगी, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट वुड बी बेस्ड ऑन एग्रीगेटेड परसेंटेज ओबेडिएंट, यानी आप सभी को हम बता दें फ्रेंड्स कि जितने भी आप अंक अर्जित किए होंगे 10+2 में, ठीक है, यदि आप एसएसआर का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, ठीक है, एसएसआर का, तो उसमें जितने भी आप लोग 10+2 में अपना अंक अर्जित किए हैं उसी के बेसिस पे आप सभी को जो है यहाँ पे कॉल लेटर नेवी देगी, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं इन फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड लिस्ट ऑन द सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 शॉर्ट लिस्टिंग, यानी आप सभी को हम फ्रेंड्स बता दें कि जो भी स्टेट से आप है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं बिहार, ठीक है, तो बिहार यदि आप लोग स्टेट से हैं तो कितने कैंडिडेट को इस स्टेट से बुलाना है, ठीक है, और कितना सीट है इस पर निर्भर करता है, ठीक है। मान लीजिए कि 20 जो है वैकेंसी है बिहार के लिए स्पेशल, ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 गुना कैंडिडेट को जो है इंडियन नेवी कॉल देगी। एग्जांपल में मान लेते हैं तो 20 का 80 यानी 80 कैंडिडेट को इंडियन नेवी जो है बुलाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले वहाँ पे परसेंटेज देखा जाएगा कि आप लोग जितने भी परसेंटेज अर्जित किए हैं 10+2 में उसको क्या होता है कि उसके नीचे से वो लेकर के चलते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट का 90% है, ठीक है, 99% है 10+2 में, तो लोग जो है फ्रेंड्स नीचे से 100 से उठाते हैं और घटते क्रम में ले जाते हैं, ठीक है, 82, 85, 86, ठीक है। और उतना यदि कैंडिडेट हो जाते हैं, जैसे 80 कैंडिडेट को कॉल देना है उतना हो जाते हैं, मान के चलिए कि 95 पे हो जाते हैं, 92 पे हो जाते हैं, तो उन्हीं का फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड आता है, 91 वालों के यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो ये निर्भर करता है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है और जो भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई हुए हैं उस स्टेट का जितने भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो उनका कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नहीं बता सकता है फ्रेंड्स की शॉर्ट लिस्टिंग जब नेवी करेगी तो यहाँ पे कितना कट ऑफ जा सकता है। तो जो भी आप स्टेट से हैं, जिस भी स्टेट से हैं, यदि आप सभी का फ्रेंड्स जो है 70+ है, ठीक है, 70+ आप सभी को परसेंटेज है 10+2 में, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। बट यहाँ पे आप सभी को हम बता दें कि 70+ वालों का कम चांस होता है फ्रेंड्स आने का यहाँ पे कॉल, ठीक है, क्योंकि जिनका 90+ होगा उन्हीं को यहाँ पे कॉल आएगा। बट आप सभी को हम फ्रेंड्स बता दें यहाँ पे कि अग्निपथ योजना के तहत जो है ये भर्ती जारी किया गया है, तो कितने सारे कैंडिडेट होंगे ज़्यादा परसेंटेज वाले वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे, ठीक है।
तो आप लोग के पास यदि आपका 10+2 में 70+ यदि है तो आप लोग इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टेट वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है ये कोई नहीं बता सकता अपन, अब वो निर्भर है कि उस स्टेट से कितने परसेंटेज वाले कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप किए हैं, ठीक है, और कितनी वैकेंसी है और कितना गुना वहाँ से कैंडिडेट को कॉल देगी इंडियन रेलवे, ठीक है, तो उस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जिस भी स्टेट से हैं आप लोग 70+ है यदि आपका परसेंटेज तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस भर्ती से रिलेटेड यदि आप सभी के पास कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम इसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।